38 संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वो सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वो कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वो संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वो मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वो इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वो इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वो इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वो यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वो इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263
केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवस्थियां एकत्र रहेंगी विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 का राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले ये प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा उसे ये अनुच्छेद 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनाव के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वो समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं के आरक्षण में प्रावधान। पृष्ठ 233 अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351 ये संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वो भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वो समझता हो कि वो भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता ये एवं साख खतरे में है तो वो वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राष्ट्र केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा ये समझा जाना विधि सम्मत लोग होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विश्व स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 371 इसके कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्र अधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहां रद्द किया जाता है। 47 संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951 ईस्वी इसके माध्यम से स्वतंत्रता समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया।
तीसरा संशोधन 1954 ईस्वी, इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची को संवर्ती सूची की 33वीं प्रविशिष्ट के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 ईस्वी, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। पृष्ठ 234। छठा संशोधन 1956 ईस्वी, इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय विक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र की को कर लगाने का अधिकार दिया गया। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही उनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। आठवां संशोधन 1959 ईस्वी, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के एक आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। नौवां संशोधन 1960 ईस्वी, इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। दसवां संशोधन 1961 ईस्वी, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अतः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया। ग्यारहवां संशोधन 1961 ईस्वी, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। बारहवां संशोधन 1962 ईस्वी, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। तेरहवां संशोधन 1962 ईस्वी, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। चौदहवां संशोधन 1963 ईस्वी, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। पंद्रहवां संशोधन 1963 ईस्वी, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। सोलहवां संशोधन 1963 ईस्वी, इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन पर कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। सत्रहवां संशोधन 1964 ईस्वी, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। अठारहवां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उन्नीसवां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। बीसवां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त की कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। पृष्ठ 235। 22वां संशोधन 1969 ईस्वी, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969 ईस्वी, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 ईस्वी,
इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधित कर सकती हैं। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 26वां संशोधन 1971 ईस्वी। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971 ईस्वी। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संतोष संशोधन 1972 ईस्वी। इसके अंतर्गत केवल केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में न चुनौती दी जा सके। 31वां संशोधन 1973 ईस्वी। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974 ईस्वी। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया कि वो सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करें। 34वां संशोधन 1974 ईस्वी। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974 ईस्वी। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 ईस्वी। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन 1975 ईस्वी। इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 ईस्वी। इसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976 ईस्वी। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। क, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। ख, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ग, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। पृष्ठ 236। घ, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। अड़ा, सभी विधान सभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के स्थिर कर दिया गया। च, लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। छ, इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय की परीक्षण करेगा। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। ज, इसके द्वारा वन संपदा शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। झ, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ट, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। 44वां संशोधन 1978 ईस्वी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग ना हो।
इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। 50वां संशोधन 1984। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। 52वां संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 53वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी छोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संशोधन 1986। इसके द्वारा संशोधन संविधान की 2री अनुसूची में भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन तथा दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। पृष्ठ 237। 58वां संशोधन 1987। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संशोधन 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये के प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लाने का प्रस्ताव था। 65वां संशोधन 1900। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। 69वां संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन 1992। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 1992। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1992-93। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। 74वां संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 76वां संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। 78वां संशोधन 1995। इसके द्वारा नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार नवी अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई है। 19वां संशोधन 1999। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 82वां संशोधन 2000। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। 83वां संशोधन 2000।
इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे ये छूट प्रदान की गई है। 84वां संशोधन 2001 ईस्वी। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 85वां संशोधन 2001 ईस्वी। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था। 86वां संशोधन 2002 ईस्वी। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। पृष्ठ 238। 87वां संशोधन 2003 ईस्वी। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है। 88वां संशोधन 2003 ईस्वी। सेवाओं पर कर का प्रावधान। 89वां संशोधन 2003 ईस्वी। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था। 90वां संशोधन 2003 ईस्वी। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 91वां संशोधन 2003 ईस्वी। दल बदल व्यवस्था में संशोधन। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40-40 है वहां अधिकतम 12 होगी। 12वां संशोधन 2003 ईस्वी। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश। 93वां संशोधन 2006 ईस्वी। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। 94वां संशोधन 2006 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में ये प्रावधान पहले से ही लागू है। भारतीय संविधान से संबंधित ये जानकारी समाप्त होती है।